इसके अलावा हरिद्वार ऑर्गेनाइजेशन को SMS ऑटो SMS भारत पेट्रोलियम ने नई तकनीक शुरू की थी, जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हम यूज करते हैं तो हर बार हमें एक SMS आता है हर ट्रांजेक्शन पे, वो इसीलिए कि आपकी सिक्योरिटी के लिए बैंक ने शुरू किया, तो वो चीज़ अब हमने डीजल की फ्यूलिंग पे शुरू की है कि जब भी आपका ट्रक किसी ट्रांसपोर्टर का ट्रक या कोई भी व्हीकल रजिस्टर्ड है हमारे साथ, जब भी फ्यूलिंग करेगा तो ट्रांसपोर्टर को एक SMS जाएगा कि इस आपके व्हीकल नंबर में इतना डीजल भरवाया है। ये बेसिकली इसलिए निकला है कि ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत है कि डेली बैठे या दूर बैठे ट्रांसपोर्टर्स कि हमें पता नहीं लगता कि गाड़ी ने कितना डीजल भरवाया है, हमारा ड्राइवर हमारे साथ गड़बड़ करता है इस सिलसिले। इसको लेके ये भारत पेट्रोलियम ने नया शुरू किया था इनिशिएटिव, इसको हरिप्रिया ने फिलिंग स्टेशन ने बड़े अच्छे से निभाते हुए ऑल इंडिया नंबर वन SMS जो जनरेट किए हैं फॉर्म से करीब 1500-1700 SMS पर मंथ ये जनरेट करते हैं, इसलिए नंबर वन है भारत इंडिया में भारत पेट्रोलियम के। तो सर इसके अंदर सारा सहयोग जो है विकास का ही रहा है और अभी ये इसके अंदर एक नई टेक्निक भी और डेवलप कर रहा है कि टेलीफोन के ऊपर भी गाड़ी वाले को पता लग जाएगा उसकी गाड़ी कहाँ चल रही है ऑल इंडिया के अंदर, उसके अंदर अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें 80% काम हो गया है और 20% और पूरा होने पर वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी ट्रक वाले के लिए कि उसको उसकी सुविधा उसको पता लग जाएगा उसकी ट्रक हिंदुस्तान में किस समय अभी चल रही है। अभी तक तो वो नेट के ऊपर तो देख सकते हैं, वो तो कुछ कंपनियां कर रही है, लेकिन ये टेलीफोन के ऊपर करने वाला काम ये पहली दफ़े जो है कि ये हरिप्रिया चालू कर रहा है और ये उम्मीद है पिछले एक महीने के आने वाले एक महीने के अंदर ये चालू हो जाएगा। और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ जो डीजल की फिलिंग होती है 100% नोजल बिलिंग है हमारे यहाँ, नोजल की स्लिप निकलने के बाद ही दूसरी गाड़ी में डीजल भराएगा, पहली गाड़ी में डीजल भरने के बाद उसकी नोजल स्लिप निकलेगी तभी ताकि कोई पंप के स्टेज पे कोई एडिशन ऑल्टरनेशन उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, और ट्रक वाले को पूरा भरोसा है कि भाई इस पंप से डीजल लेंगे तो उसको पूरा माल मिलेगा और उसके अंदर कोई एडिशन ऑल्टरनेशन वाल नहीं होता है। और इन्हीं के साथ में हमने जो है कि हमारे 17,12,000 लीटर डीजल हमने पिछले महीने बेचा है और जो हमारे आसपास के पंप है उन सब की सेल से हमारी सेल डबल है, सबको जोड़ लें उससे भी हम उनसे भी डबल तादाद में हम डीजल बेच रहे हैं। पंप का थोड़ा इतिहास बताओ। पंप 1984 में फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में चालू हुआ था सर, ये मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके बाद से ये पंप निरंतर जो है हमने 140 केल पर मंथ के से चालू करी थी और जो अभी 1700 केल की ऊंचाइयों पे हम पहुंच चुके हैं और इसका पंप का रिनोवेशन भी अभी ड्यूब चल रहा है, अगर वो हो जाए अभी भी हमारे यहाँ 30% कस्टमर बिना डीजल लिए हुए चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो अभी कोर्ट हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उम्मीद है अगले महीने तक वो हो जाएगा, तो हमारा पंप का एरिया जो है कंपनी 5 गुना करने के लिए उन्होंने पिछले 2 साल से प्लानिंग कर रखी, ग्रीन बेल्ट के कन्वर्शन नहीं होने के कारण वो हमारा डेवलपमेंट रुका हुआ है। सर राजस्थान में कितने पेट्रोल पंप हैं आपके डीजल फिलिंग स्टेशन हैं और उनमें जो स्टेटस है फिलिंग का या कर उसके अंदर मिक्सिंग का वो कहाँ कितना है कोई बता पाएंगे? कितने पेट्रोल पंप हैं आपके, कितने पेट्रोल पंप है फिलिंग स्टेशन हैं और जो कंप्लेंट्स कहाँ कहाँ की लॉन्च हुई हैं आपके पास रिगार्डिंग द मिक्सिंग ऑफ द पेट्रोल विद मिक्सिंग ऑफ डीजल विद केरोसिन? देखिए सर नंबर राजस्थान के टोटल नंबर एग्जैक्ट तो नहीं होंगे मेरे पास, फिर भी राजस्थान में जो होगा राउंड अबाउट
भारत पेट्रोलियम का मान के चलिए 600 से 700 पंप होंगे। ओके। और अभी तक केरोसिन की डीजल के साथ फिलिंग का मेरे को नहीं लगता कोई भी इस साल का आया है। भारत पेट्रोलियम का कोई नहीं आया है। एनवायरो पेट्रोल, पेट्रोल ने केरोसिन, पेट्रोल में भी नहीं आया, नहीं आया ना। ठीक है, आज की डेट में क्या है जो हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं एसएमएस की, तो भारत पेट्रोलियम ने एक इनिशिएटिव दिया है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन में हमने क्या किया है कि एक तो जितना जो माल हमारे डीलर के टैंक में आता है उस चीज़ के हमने ऑटोमेशन लगाई है। उसके एसएमएस जाते हैं सेल्स ऑफिसर को, जब भी कोई माल डाला जाता है उसका एसएमएस जाएगा कंपनी को और उसका स्टॉक लेवल आप देख सकते हैं वहाँ। और जब जितना माल बिका और उस पर्टिकुलर लेवल पर उस जो माल डाला है उसमें अगर कुछ अंतर रहता है, 4% का हम इंटरेस्ट अंतर रखते हैं, तो उसका फिर एक एसएमएस जनरेट होता है। और रोज सुबह डेंसिटी का भी एक एसएमएस अपने मशीन लेती है, कैप्चर करती है। तो वो केरोसिन डालने वाली बात अब वो बहुत पुराने बात रह गई, उससे काफ़ी ऊपर हम उठ चुके हैं कि अब हम जो भी ट्रांजेक्शन है कि आप पिछले एक महीने की भी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैंने इस मशीन से डलवाई थी, वो हमारे पास कंप्यूटर में स्टोर रहती है। तो कोई भी कस्टमर आके हमारे किसी भी पंप पे अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन चेक कर सकता है। उसका कहने का अगर ये है कि सपोज ये डीएसएम में मुझे मैंने 100 रुपये का डलवाया, डीएसएम में नहीं डाला, तो वाकई चेक कर सकता है कि डाला था एक्चुअल में कि नहीं डाला। उसको फिगर्स उसमें स्टोर तो उसमें वो एडिटेशन और वो सब बातें और हिस्ट्री लाओ।